जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और वीकली राशिफल में। ये जो सप्ताह है 8 से लेकर के 14 जुलाई तक कैसा जाएगा आपके लिए, यही सब जानेंगे। कौन सी घटनाएं होने वाली हैं, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, किन चीजों पर ज्यादा गौर देने की जरूरत है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दरबार जिसके कारण लाखों लोगों का जीवन सुधर रहा है, लाखों के बने हैं काम जिसने लिया है शनिदेव का नाम। वो जो है दिल्ली में 4 दिन के लिए लगाया जा रहा है, बेस्ट पटेल नगर में जो लाल मंदिर है, बलजीत नगर भी आप उसे कह सकते हैं, वहां पर जो हॉल है उसके फर्स्ट फ्लोर पे लगाया जाएगा। 29 जून को शनिवार के दिन पहला दरबार लगेगा, उसके बाद जो है 2 जुलाई को मंगलवार के दिन दूसरा दरबार होगा, तीसरा दरबार लगाया जाएगा 6 जुलाई को जो कि शनिवार पड़ेगा, और 9 जुलाई जो कि मंगलवार पड़ेगा उस पर आखिरी दरबार लगाया जाएगा। इस दरबार में आने के लिए आपको कोई भी टोकन नहीं लेना है, कोई फीस नहीं लगेगी, बिल्कुल निशुल्क है। आप आकर के अपनी जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। आप जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है और चेहरा दिखा करके अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, वो भी निःशुल्क जन्म कुंडली ले जा सकते हैं। साथ ही एक 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके एक जटा वाला नारियल जिसमें अच्छे से पानी हो वो लेकर के आए, ताकि हम आपकी जन्म कुंडली देखने के बाद जो भी ग्रह आपके खराब है उसका निवारण कर सके। और जो लोग गुरुवार आना चाहते हैं तो गुरुवार के लिए तो अभी आपको टोकन लेना पड़ेगा, जो हमारी साधना स्थली पे दरबार लगेगा। उसके लिए टोकन नंबर के लिए नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं, वो टोकन नंबर लेकर के आप प्राप्त कर सकते हैं और फिर गुरुवार हमसे मिलने आ सकते हैं। तो अभी कुछ समय के लिए हम आपसे शनिवार, मंगलवार, गुरुवार तीनों ही दिन मिलने के लिए उपलब्ध है। जो लोग दूर रहते हैं बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हमारी बहुत जगह बातचीत चल रही है। बलिया में बातचीत चल रही है, MP में बातचीत चल रही है, हमारी गाजियाबाद में बातचीत चल रही है दरबार लगाने के लिए, नेपाल में भी चल रही है। तो जैसे ही कार्यक्रम वहां आयोजित होंगे आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा, या हमारे ग्रुप जो है गुरु माँ के लाडले वहां पे इन्फॉर्म किया जाएगा। उसमें जुड़े रहिए, आपसे आकर के हम जल्दी मुलाकात करेंगे। चलिए आज की राशिफल को प्रारंभ करते हैं, ये हफ्ता क्या नजारे दिखाएगा, चलिए जानते हैं। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में जो मैं देख पा रही हूँ वो है कि थोड़ी सी चीजें आपकी गिर रही हैं, कुछ उड़ रही हैं, कुछ मिसप्लेस हो रही हैं, चीजें आपकी वॉलेट भी घूम सकता है, आपकी घड़ी भी घूम सकती है। थोड़ा सा ख्याल रखेंगे अपना सामान का इस समय में, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी ऐसी है कि आपका सामान जो है आपसे मिसप्लेस हो सकता है, गुम हो सकता है, आप रख के भूल सकते हो, उन चीजों का थोड़ा ख्याल रखेंगे। इस हफ्ते में किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा विश्वास किसी पे कर लिया, खासकर धन को लेकर के, तो वो व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। तो वहां थोड़ा सा अपना ख्याल रखना है। सबको फिलहाल शक की निगाह से देखो इस हफ्ते। अगर हाँ, बहुत ज्यादा आपका ट्रस्टवर्दी पर्सन है और पहले भी आपने उनके साथ कोई काम किया हुआ है, उन्हें पैसे दे रखे हैं, वापस आ गए हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अन्यथा थोड़ा फाइनेंशियल लॉस का जो समय है, या आपको जो आपकी ग्रोथ चल रही है, जो आप बढ़ रहे हो आगे, उसके अंदर हिंड्रेंस हो सकता है। अगर आपने किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट की है, या ट्रेडिंग से संबंधित कोई काम है, या आपका आड़त वगैरह का कोई काम है, या आपका ग्रोसरीज का काम है, या आपका कुछ खरीद बेच का काम है, ट्रेडिंग का काम है किसी भी तरीके से, तो उसमें आपको विशेष लाभ की प्राप्ति इस हफ्ते हो सकती है। इस हफ्ते जैसे मैं बता रही, थोड़े से आप शेकी भी रहेंगे, खुद भी गिरने की संभावना है कि आप गिर जाए, कहीं से फिसल जाए, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। खासकर रबड़ की चप्पल के साथ कहीं गिरते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। आपके लव लाइफ की बात करें तो इस समय जो है आपका पार्टनर जो है वो आपके लिए काफी सपोर्टिव रहेंगे। आप एक दूसरे से कुछ स्पष्ट बातें शेयर करेंगे अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर के, आपकी जो विजन है वो आप अपने पार्टनर को बताएंगे और वो उसको समझेंगे और अपनी विजन वो भी आपको बताएंगे। तो एक स्पष्टता से बात होती हुई दिखाई दे रही है अपने फ्यूचर को लेकर के। आप दोनों जो है वो बहुत ज्यादा डिसिसिव टाइम पे है इस समय, कि क्या करना है अब इस रिलेशनशिप के साथ, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो उस तरह की चर्चाएं जो है इस हफ्ते में हो सकती है। जो लोग सिंगल है उन लोगों को, अगर आपको किस कोई पसंद है, या आप उनकी तरफ जाना चाहते हैं, या उन्हें प्रपोज करना चाहते हैं, या शादी के लिए आपको कोई पसंद है, तो वहाँ एक रिश्ता जो है वो ना हो सकता है। तो
सोच समझ के ही आप किसी को इस हफ्ते में अपने फीलिंग्स बताएं, क्योंकि ये हफ्ता उस चीज के लिए अच्छा नहीं रहेगा। फैमिली की लाइफ की बात करें तो अगर जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उन लोगों की लाइफ में कुछ रिंग एक्सचेंज हो सकती है। आप अपने पार्टनर को या आपके पार्टनर को या आप अपने पार्टनर को कुछ रिंग आप एक दूसरे को गिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं या कुछ गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ साथ एक दूसरे के प्रति आपका जो स्वभाव है वो भी थोड़ा सा चेंज होगा। मतलब चेंज देखो दो तरह की चेंज है, अगर ऑलरेडी एग्रेसिव हैं तो वो थोड़े सौम्य हो जाएंगे और वो सौम्य हैं तो थोड़े एग्रेसिव हो जाएंगे, तो थोड़ा चेंज का टाइम है, तो वहां थोड़ा सा आपको मतलब ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं होनी है, खुशी गुजरेगा ये हफ्ता, लेकिन थोड़ा सा मतलब आपको उनके नेचर में चेंज देखने को मिल सकता है। सिद्ध दरबार में एक और चमत्कार हुआ है, चलिए उनसे मिलते हैं और फिर आगे का आपका राशिफल बताएंगे। मैं सुचिता रोकड़े हूँ, नागपुर से आई हूँ। मैं गुरु माँ के फ्री दरबार में आई थी, मुझे हेल्थ इशू से एक प्रॉब्लम था और मेरा हेल्थ इशू ठीक हो गया। मैंने डॉक्टर की बहुत दवाई ली थी तो भी मेरा हेल्थ इशू का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन माँ के दरबार में आने से मेरा हेल्थ इशू का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। आप भी लोग आइए, माँ के फ्री दरबार में कोई फीस नहीं लगती है और आपके जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करिए। धन की बात करें तो धन इस समय अच्छा है, बिजनेसमैन के लिए अच्छा समय है, नया काम शुरू करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा समय है, आपकी जो भी आवश्यकता है वो पूरी जरूर होगी, चीजें आपके लिए अच्छी बनी हुई है। जॉब की बात करें तो जॉब में आप काफी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफी लोगों की हेल्प करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है आपके ऑफिस में जो आपसे हेल्प के लिए आए, और या कोई नए ट्रेनी या कोई इंटर्न वगैरह आ रहे हैं और आप उनको काफी कुछ सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं एज अ लीडर, तो वो आपके लिए अच्छा चीज है, उससे आपकी नॉलेज की भी ग्रोथ या रिविजन होगी, तो वो अच्छा है। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स जो है इस समय में बैलेंस में रहेंगे, आप अपना अच्छा रूटीन बना सकते हैं, आप अपने आप को काफी हाइड्रेटेड रखेंगे, या आपको जो मतलब कितना आपको एंजॉय करना है, कितना पढ़ाई करनी है, कैसे मैनेज करना है अपने दिन को, वो मैनेजमेंट में इस हफ्ते में आप काफी बेटर हो जाएंगे। हेल्थ की बात करें तो कुछ लोगों के लिए पता नहीं कोई ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ग्रोथ किसी चीज की आपकी हो रही है, जैसे हड्डी बढ़ जाना, कुछ लोगों की हड्डी बढ़ सकती है पैर की या पैर के अंगूठे की, या दर्द हो सकता है या एंकल की, मतलब पैरों के एरिया की कुछ हड्डी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, या अगर आपका पहले पूर्व में कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है और वहां थोड़ी प्रॉब्लम हुई है तो उसमें दोबारा से प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है इस हफ्ते आपके लिए दिखाई दे रही है। जो लोग भी दिल्ली आ सकते हैं हमसे मिलने आ रहे हैं, आपकी प्रतीक्षा है, मुझे जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। आप सभी जो YouTube के माध्यम से हमें देख रहे हैं उन सबको तब तक के लिए बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं जब तक हम आपसे मिल नहीं पाते हैं। चिंता मत करिए, जीवन आपके लिए जरूर सुखद होगा, आज नहीं तो कल भगवान जी जरूर कृपा करेंगे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।